हमारा चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि होंग यून और ये चन के बीच लड़ाई हो जाती है और फाइनली हमें पता चलता है कि होंग यून भी ये चन से प्यार करने लग गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग होंग यून ये चन से माफी मांगने के लिए तैयार होती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। कहानी में आगे हम देखते हैं कि स्कूल में ली डोंग और किम जी आपस में फ्लर्ट कर रहे होते हैं। होंग यून के क्लास में आने के बाद वो दोनों एक दूसरे से होंग यून से कुछ पूछने के लिए कह रहे होते हैं। फिर किम जी होंग यून से पूछती है, क्या आज भी ये चा नहीं आ रहा है? क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? होंग यून के एक्सप्रेशन देखकर वो सब समझ जाती है। वो उसे कहती है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। किम जी ली डोंग को भी ये बात बताती है कि उन दोनों की लड़ाई हो रखी है। तभी होंग यून देखती है कि हेजिन ने उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज किया होता है। उसका मैसेज देखकर वो इरिटेट हो जाती है। फिर अपने फोन की टूटी डिस्प्ले देखकर उसे अपनी और ये चान की लड़ाई याद आती है। तभी होंग यून के किडनी एरिया में दर्द होने लगता है। वो अपना सिर नीचे करके सोचती है, उस दिन के बाद से ये चान पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। घर जाते टाइम वो ये चान को मैसेज करके पूछती है, तुम कहाँ गायब हो? तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? तुम मेरी कॉल या मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? होंग यून के अभी भी दर्द हो रहा होता है। उसे ऐसे दर्द में देखकर हेजिन उसके पास आकर पूछता है, क्या तुम बीमार हो? क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? उसे देखकर वो कहती है, मैं ठीक हूँ। फिर वो ये चान की मॉम को कॉल करती है। वो ये चान के बारे में पूछने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही ये चान की मॉम कहती है, वो तो मुझे कॉल ही नहीं करता है, पता नहीं वो ऐसा क्यों है। क्या अभी भी वो खाने में ड्रामेबाजी करता है? वो खाना ठीक से तो खा रहा है ना? होंग यून कहती है, वो बिल्कुल ठीक है। ये चान की मॉम उसे थैंक यू बोलते हुए कहती है, तुम्हारे उसके साथ होने से मुझे उसकी फिक्र नहीं रहती है। अगर वो कभी तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बताना। उसके बाद होंग यून ये चान के रूम पर जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है। वो सोचती है, ये आखिर कहाँ चला गया है। तभी उसे एक जगह पर उन दोनों के डेटिंग रूल का पेपर चिपका हुआ दिखाई देता है। वो पेपर देखकर होंग यून इमोशनल हो जाती है। ये चान का पिंक हुडी देखकर उसे याद आता है कि कैसे उसने ये चान से वो हुडी छीना था। उसे याद आता है कि कैसे वो दोनों साथ में फोटोज खिंचा रहे थे, कैसे वो इस रूम की सफाई कर रही थी और किस तरह से ये चान ने अपनी वॉच के लिए बचाए पैसों से उसके कहने पर उसके लिए उसका फेवरेट बैकपैक खरीदा था। ये चान के बेड के पास बैठकर रोते हुए वो सोचती है, मैंने ये चान के साथ जितना भी अमेजिंग टाइम बिताया था अब वो रुक गया है। उसे याद आता है कि कैसे एक बार जब उसे पीरियड्स की प्रॉब्लम हुई थी तो ये चान उसके लिए पैड्स लेकर आया था। जब उसने पूछा था कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन से पैड यूज करती हूँ, तो ये चान ने कहा था, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, मेरी तरह और कोई नहीं है, तुम लकी हो जो मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। फिर उसे याद आता है कि किस तरह उसके सबके सामने झूठ बोलने पर कि ये चान मेरा बॉयफ्रेंड है और उसके कहने पर ये चान उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो गया था। उसे वो सारे मोमेंट्स याद आते हैं जो उन दोनों ने फेक रिलेशनशिप के दौरान बिताए थे। उसे रिग्रेट होता है कि मुझे उसकी इम्पोर्टेंस का इतनी देर में क्यों पता चला। स्कूल में तबीयत खराब होने की वजह से होंग यून नर्स ऑफिस में आराम कर रही होती है। हेजिन वहाँ उसका हाल चाल पूछने के लिए आता है, लेकिन उसे देखकर होंग यून मुंह फेर लेती है। अंदर आकर वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लाया हूँ। वो कहती है, मैंने दवाई खा ली है। हेजिन कहता है, तो ये दवाइयाँ तुम बाद में खा लेना। होंग यून देखती है कि हेजिन पिछली बार की तरह उसकी बीमारी जाने बिना बहुत सारी दवाइयाँ लाया होता है। हेजिन पूछता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? वो कहती है, तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं? वो फिर पूछता है, क्या तुम्हें इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि ये चान अब तुम्हारे पास नहीं है? वो कहती है, अगर तुम्हें सबको सच बताना है तो तुम बता सकते हो, मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेजिन पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? वो कहती है, क्योंकि अब मैं ये चान से प्यार करने लगी हूँ, मुझे ये तब पता चला जब मैंने उसे खो दिया। तुम्हारे साथ भी यही हुआ था ना, जब तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था? तुम्हें गायब होना चाहिए था, ना कि ये चान को जो इनोसेंट है। ये सुनकर हेजिन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि होंग यून अब कभी उसकी नहीं हो सकती। वो बेचारा बहुत सैड लग रहा होता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
अब आगे हम देखते हैं कि होंग यू स्नैक्स की शॉप पर स्नैक्स लेने जाती है। उसे अकेला देखकर वहां का ओनर उससे ये चान के बारे में पूछता है। वो पूछता है वो लड़का कहां है जो हमेशा तुम्हारे लिए स्नैक्स ले जाता है, जाओ अंदर जाकर बैठो। वो अंदर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद ओनर आवाज लगाता है, हनी क्या तुम यहाँ आ सकती हो? एक लेडी अंदर से आवाज देती है, ओके हनी अभी आती हूँ। एक लेडी अंदर से आती है। होंग यू और वो लेडी एक दूसरे को देखकर चौंक जाती है, स्पेशली होंग यू। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि उनकी एक्टिंग क्लास की टीचर होती है। उसकी टीचर भी उसे वहाँ देखकर शॉक रह जाती है। फिर वो पूछती है क्या तुम यहाँ स्नैक्स लेने आई हो? होंग यू कहती है हाँ। फिर उसकी टीचर वहाँ से भाग जाती है। शॉप से बाहर निकलते हुए होंग यू कहती है ये चान ये न्यूज सुनेगा तो वो भी शॉक्ड हो जाएगा। फिर उसे ध्यान आता है कि ये चान तो पता नहीं कहाँ गायब है। पहले जो स्टोरीज हम दोनों शेयर करके मजे करते थे वो अब केवल मेरी बनकर रह गई हैं। घर जाकर वो स्नैक्स लेकर बैठी होती है। वो अपने भाई को जो वीडियो गेम खेल रहा होता है उसे अपनी टीचर के बारे में बताती है। उसका भाई उसकी बातों को इग्नोर करके फिर से वीडियो गेम खेलने लग जाता है। वो कहती है मुझे पता है कि तुम्हें ये फनी नहीं लगेगा क्योंकि तुम ये चान नहीं हो। उसे स्नैक्स खाते हुए बड़ा लोनली फील हो रहा होता है। तभी उसे अपने भाई की आवाज़ सुनाई देती है जो गेम खेलते हुए ये चान का नाम ले रहा होता है। पहले उसे लगता है कि शायद मैंने ठीक से नहीं सुना, लेकिन जब उसका भाई फिर से ये चान का नाम लेकर उससे कंप्लेन कर रहा होता है तो वो चौंक जाती है। वो अपने भाई का हेडफोन निकाल कर पूछती है अभी तुमने क्या कहा? उसका भाई गुस्से में कहता है अभी मुझे परेशान मत करो, मैं वैसे ही बहुत गुस्से में हूँ। वो पूछती है तुम अभी किससे बात कर रहे हो? गिलडोंग कहता है मैं ये चान से बात कर रहा था। होंग यू कांपते हुए हाथों से हेडफोन लगाती है तो उसे ये चान की आवाज़ सुनाई देती है जो गिलडोंग से गेम खेलने के लिए कह रहा होता है। वो पूछती है तुम कहाँ हो? उसके बाद वो गेमिंग शॉप पर पहुँचती है और वहाँ गुस्से में चिल्लाती है ये चान तुम कहाँ छुप कर बैठे हो? वो देखती है कि ये चान वहीं सामने बैठा होता है। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है और ये चान की चेयर को किक करती है। ये चान की चेयर गोल गोल घूमने लगती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। इसके बाद का एपिसोड इस सीजन का लास्ट एपिसोड होगा, तो वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।